पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया पे यह चल रहा है कि सेना बीजेपी की युति नहीं होने वाली है। हमारी युति 100% होगी, हम साथ में लड़ेंगे। उद्धव जी ने भी कहा है, मैंने भी कहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने मन बना लिया है। जब मन बन जाता है तो युति आसान हो जाती है। तो कितनी सीटें आप लड़ेंगे, कितनी बीजेपी लड़ेगी और कितनी शिवसेना लड़ेगी? थोड़ा इंतजार करिए, हम अनाउंस कर देंगे हमारे छोटे दोस्त कितने लड़ेंगे, शिवसेना कितनी लड़ेगी, बीजेपी जितनी लड़ेगी, एक साथ मिलकर फैसला हो जाए। तो कब तक अनाउंसमेंट होगा इसका? देखिए, इसका फैसला हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले कर लेंगे। गणेशोत्सव में हो जाएगा फैसला? हो जाना चाहिए गणेशोत्सव में। लेकिन अगर 50-50 सीट शेयरिंग रेशियो की बात चल रही है, तो जैसे आपके जो सहयोगी दल है, रामदास आठवले की पार्टी है, महादेव जानकर है, जो विनायक मेटे है, उनको कितनी सीटें मिलेगी? सबको साथ में लेकर जाएंगे, सबका सीटों का ठीक से बंटवारा होगा। आपको हम सब एक स्टेज पर दिखेंगे, एक साथ अगली सरकार बनाएंगे। लेकिन शिवसेना के कुछ नेताओं की मांग यह है कि आदित्य ठाकरे को सीएम बनाया जाए। देखिए, कोई मांग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन शिवसेना में निर्णय लेने का अधिकार ये केवल उद्धव जी को है, और उद्धव जी, मैं और अमित भाई, हमने बैठकर सारे फैसले लिए हैं, उचित समय पर आपके सामने आ जाएंगे। तो डेप्यूटी सीएम पोस्ट की बनाई जाएगी शिवसेना के लिए, डेप्यूटी सीएम पोस्ट बनाया जाए? वो तो हमने उनको इस बार भी कहा था, इस अभी जो हमारा आखिरी एक्सपांशन हुआ, हमने उनको कहा था कि अगर शिवसेना चाहेगी तो हम डिप्टी सीएम की पोस्ट उनके लिए करने को तैयार है, उनको फैसला लेना। तो यानी कि बीजेपी तैयार है डिप्टी सीएम पोस्ट बनाने के लिए? क्यों नहीं, बिल्कुल तैयार है हम। कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि जो है कि केंद्र में आप जाने वाले हैं, केंद्र की राजनीति में जाने वाले हैं। ऐसी खबरें तो आती रहती है, मेरी पार्टी कहेगी तो चला जाऊंगा, बड़े आनंद के साथ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कोई चांस नहीं दिखता। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप ही सीएम बने, हम तो चाहते हैं कि आप ही सीएम बने। मेरे चाहने का सवाल नहीं है, मेरी पार्टी, मेरे नेता मोदी जी ये जो चाहेंगे वो।